ओके, एंड इन लेक्चर नंबर टू, ध्यान से देखना बेटा, लेक्चर नंबर टू में मैंने क्या क्या देखा, ये लेक्चर नंबर वन है. ओके, लेक्चर नंबर टू में मैंने क्या क्या देखा, हमने ये लेक्चर नंबर टू में स्टार्ट किया इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मीन्स एक मैटर को दूसरे मैटर में किस तरीके से हम लोग इंटर कन्वर्जन करते हैं. ओके, इसमें मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग को सॉलिड्स को मेल्ट करके बाय द हीटिंग लिक्विड में कन्वर्ट करना आपका मेल्टिंग होता है, और जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं ऑफ दैट सॉलिड. ओके, सिमिलरली बॉइलिंग देखा, इवोपरेशन देखा, कंडेंसेशन देखा, क्रिटिकल टेम्परेचर देखा. क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर एबव विच लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज इम्पॉसिबल. उस टेम्परेचर के बाद जो गैस का लिक्विफिकेशन आप इम्पॉसिबल है, मीन्स उसके ऊपर आप गैस का लिक्विफिकेशन आप नहीं कर सकते, राइट. देन सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन क्या है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना सॉलिडिफिकेशन है, बाय द कूलिंग. यहाँ पर हम कूलिंग करते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. नेक्स्ट है सब्लिमेशन, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे. ओके, फिर मैटर में प्योर सब्सटेंस हम लोग डिस्कस करते, इसमें एलिमेंट के बारे में प्योर सब्सटेंस डिस्कस किया. प्योर सब्सटेंस क्या है, द सब्सटेंस विच आर द होमोजीनियस इन नेचर एंड कंटेन पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली वन काइंड. इसी सब्सटेंस में हम जैसे बोलेंगे सुगर के पीसेस हैं आपके सामने, तो सुगर को प्योर तब बोलेंगे जब ओनली सुगर हो, उसमें कोई और एलिमेंट ना हो, राइट राइट ना. तो उसी को बोलते हैं होमोजीनियस सब्सटेंस. होमोजीनियस सब्सटेंस का मतलब होता है सिर्फ एक टाइप के सब्सटेंस. इज इट ओके, बात समझ में आ रहा, यस और नो. होमोजीनियस यस सब्सटेंस सर, मीन्स एक टाइप के सब्सटेंस. ओके, दूसरे टाइप का कोई भी सब्सटेंस नहीं है यहाँ पर, ओनली वन टाइप के सब्सटेंस है यहाँ पर, इसको बोलेंगे होमोजीनियस सब्सटेंस. एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है प्योर सब्सटेंस इन मॉलिक्यूल्स आर कंपोज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, मीन्स सिर्फ एक टाइप के एटम्स हो उसमें, राइट. प्योर सब्सटेंस इन विच मॉलिक्यूल्स आर कंपोज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट. क्लियर है. फिर है आपका एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट. एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट में, सॉरी, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी, राइट. यस सर, ओके. नेक्स्ट है आपका मोनोएटॉमिक, मींस जब सिंगल सिंगल एटम्स प्रेजेंट हो. डायटॉमिक मींस जब टू टू एलिमेंट्स प्रेजेंट हो. ट्राईटॉमिक मींस या पॉलीएटॉमिक मींस जब मोर देन टू एटम्स प्रेजेंट हो, उसको हम पॉलीएटॉमिक बोलेंगे. फिर हमने कंपाउंड देखा. ओके, एंड कंपाउंड के बारे में हम लोग आज डिस्कस करना था, राइट. कंपाउंड के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको ध्यान से देखना आप लोग. अच्छा, एनीबडी टेल मी व्हाट इज कंपाउंड. टू एलिमेंट्स जॉइनिंग टुगेदर. टू एलिमेंट्स जॉइंट्स टुगेदर. ओके, वेरी गुड. ओके, अच्छा, कंपाउंड्स तो आपको समझ गए, टू एलिमेंट्स जॉइंट्स टुगेदर. ओके, इसको कंपाउंड्स बोल गए. अभी इस कंपाउंड्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स में आपको समझना नहीं है, बिकॉज अभी इसमें है नहीं. एलिमेंट्स के और नीचे क्या आ रहा था बेटा, एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया. ओके, एलिमेंट्स को फर्दर किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, ये देखो ध्यान से. लेफ्ट हैंड साइड इधर मेटल्स, को क्या नॉन दिख रहा है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ओके, सो फर्दर टुडे वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ओके, सो नाउ एवरीवन टेल मी व्हाट इज मेटल्स. मेटल्स, आई थिंक मेटल्स आप जानते होगे ना, एंड नॉन मेटल्स. डू यू नो ना मेटल नॉन मेटल, आप लोग जानते हो कि नहीं, बोलो यस और नो.
मेटल जानते हैं नहीं? बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज मेटल और नॉन मेटल क्या है? देखो ओके ओके, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा. ओके लेट मी ट्राई फर्स्ट. ओके मेटल क्या है? एन एलिमेंट, एक एलिमेंट इज मेड ऑफ एन एलिमेंट. An element is made up of identical atoms, but the nature of atoms is different. But the nature of atoms is different in different element. Right? Which means, that means उसकी characteristic change जाएगी. Okay? And that is based on the variation in the properties which characteristic. Okay. So further we can say that based on the variation in properties element are further classified into metals non-metals and metalloids. ओके सो एवरीवन, डेफिनेशन समझ गए बेटा? डेफिनेशन ये है कि सब, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है. ओके लेट्स से मैंने बोला ये आपका क्या है बेटा, एलिमेंट है. ओके इस एलिमेंट में बहुत सारे आइडेंटिकल एटम्स होंगे ना. फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला कि एक आपका ये एटम्स है. ओके एक आपका ये एटम्स है, ये भी आपका एटम्स है, ये भी एटम्स है, ये भी एटम्स है, बहुत सारे इसके अंदर एटम्स है, राइट? यस सर. ओके नाउ बट इसके एटम्स के जो प्रॉपर्टीज है दैट इज डिफरेंट. जो आपके एटम्स की प्रॉपर्टीज दैट इज डिफरेंट, राइट? समझ गए ना? और इस एटम्स की प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो डिफरेंट, राइट? तो जब इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इन सब की प्रॉपर्टीज अलग अलग है. सपोज मैंने बोला कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम है और इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि ये जो आपका पूरा का पूरा एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज एक अलग टाइप की होगी, राइट? So based on the properties of this element, हमने further element को classify किया किसमें? Number one metals, non-metals और metalloid में. इन three category में classify किया, right?
समझ गए? बेसिकली ये समझो कि जो मेटल एलिमेंट होगा उसको मेटल नॉन मेटल में क्लासिफाई कर दिया गया, राइट? नाउ अगर आप बात करें हम लोग फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो क्या बोलोगे आप बेटा डिफरेंस में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, क्या डिफरेंस बोलोगे? बोलो एनीबडी, क्या डिफरेंस बोलोगे बताओ? किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है? मेटल्स क्या होते हैं? व्हाट व्हाट इज मेटल्स? अभी जस्ट बताया बेटा। अच्छा मेटल अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल मेटल की स्टेट के बारे में बात करूं, मैं स्टेट समझते हो? यस सर का क्या होता है स्टेट बोलो? स्टेट क्या होता है? देखो स्टेट क्या है, अगर हम बात करें द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, स्टेट सारे के सारे जो मेटल्स होती हैं, द स्टेट मींस होता है बेटा सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सारे के सारे मेटल्स होती हैं, दीज आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, राइट? इतने सेल्सियस पर ये क्या होती है बेटा? सॉलिड होती है। इज इट ओके? बात यस सर समझ में आया? अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल आर मोस्टली गैसेस। नॉन मेटल क्या होती है बेटा? मोस्टली गैसेस। ओके गैसेस समझ गए ना? नॉन मेटल कैसी होती हैं? गैसियस होती हैं। गैसेस ओके नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट की, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मीनिंग है कि वो जो रूल फॉलो नहीं करते उनको बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जानते हो आप क्या होता है? एक्सेप्शन बेटा जो यस रूल फॉलो नहीं करते उनको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन मीन्स मरकरी और गैलियम दीज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी और गैलियम दीज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी का सिंबल होता है Hg, गैलियम का सिंबल होता है Ga। समझे? मरकरी यस और दीज आर द लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर। ओके सो ये समझ गए बेटा एक्सेप्शन मीनिंग? यस दीज आर द एक्सेप्शन एट रूम टेम्परेचर मीन्स ये आपके लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर। नाउ फिर अगर हम बात करें फॉर द केस ऑफ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में कौन कौन सी होती हैं? सम नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, वेयर ब्रोमीन आर लिक्विड। ये आपके सॉलिड होती हैं। कौन कौन से सॉलिड होती हैं? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस फॉस्फोरस एंड आयोडीन आयोडीन, दीज आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, राइट? और लिक्विड कौन सा होता है? ब्रोमीन एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इज इट ओके? बात समझ गया बेटा ऑल ऑफ यू? क्लियर है ना? नाउ यस सर यस सर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सोचो जो चीज अगर सॉलिड है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, उनको मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी ना आपकी, राइट? यस सर तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज हाई एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो हाई। जो गैसेस होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट तो बेटा लो ही होता है ना। जो गैस होती हैं गैस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, राइट? यस वेरी गुड। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हार्डनेस, हार्डनेस की बात करें हम लोग, अच्छा इसमें कुछ एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? एक्सेप्शन है आपके नंबर वन देखो, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी। मरकरी फिर से आ गया, इसको हम बोलते हैं Hg। लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। एंड गैलियम, गैलियम हैज द लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई
बॉइलिंग पॉइंट्स, ये बात याद रखना आपको, गैलियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, ओके, ये बात आपको याद रखनी है, इसको मैं बॉक्स में बना के रखता हूँ, ओके। सही है, ओके। नाउ फॉर द केस ऑफ नॉन मेटल, तो कार्बन, सिलिकॉन एंड बोरॉन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये नॉन मेटल होके भी इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इज इट ओके, बात समझ गए, नॉन मेटल होके भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। क्या क्या ऊपर ले सकते हैं? ओके ओके हो गया, यस ओके। नेक्स्ट वन हार्डनेस, जो मेटल्स आपकी सॉलिड हैं तो वो हार्ड भी होंगी बेटा। अच्छा एक्सेप्शन में यहाँ पर सोडियम लिखा, डू यू नो सोडियम कैसा होता है? सोडियम कैसा होता जानते हो आप? नो सर। सोडियम आपका पनीर देखा ना, पनीर जैसा पीस होता है सोडियम का, मीन्स व्हाइट कलर का और ग्रे कलर का होता है, राइट, हल्का सा ग्रे कलर का, जैसे आप मार्केट से इरेजर खरीद के लाते हो ना, वैसे होता है सोडियम आपका, ओके। और सोडियम आपका मीन्स उसको हम लोग इस अपनी नाइफ से हम कट कर सकते हैं, राइट, समझ गए ना, सोडियम को नाइफ से हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, क्लियर है ना, बात समझे कि नहीं? Yes, okay. और अगर सोडियम के साथ वाटर की रिएक्शन कराते ना बेटा, तो क्या होता है, एक्सप्लोजन, वाटर में अगर डाले सोडियम तो आग लग जाती है, समझे बात को, तो वाटर के साथ सोडियम रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन करके क्या हो जाता है, आग लग जाती है, समझ गए, क्लियर है ना। चलो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट यहाँ पर पोटेशियम भी सेम यही करता है, पोटेशियम के साथ भी आपकी आग लग जाती है जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है, तो समझ गए। चलो मैं तुमको एक एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखना, ये देखो ये सोडियम मेटल डाला, दिख रहा है सोडियम मेटल, यस सर, आग लग गया ना पानी में, इस तरीके से आग लग जाती है सोडियम मेटल डालते हैं, अगर ज्यादा मेटल डाल देंगे तो ग्लास फट, जो आपका बीकर लिया हुआ ना, ये टूट भी सकता है, ओके, समझ गए ना, तो ऐसे आग लग जाती है पानी में, ये नीचे आपका पानी है, वो आपका सोडियम है ऊपर, ओके, क्लियर है ना, तो सोडियम के साथ, और सोडियम को हम अपनी नाइफ से कट कर सकते हैं, दैट इज वाई यहाँ पर उसकी हार्डनेस कम लिखा हुआ है, ये आपके हार्ड नहीं होते, राइट, यस सर। नाउ यहाँ पर देखो नेक्स्ट है आपका हार्डनेस, तो ये आपके जनरली हार्ड होते हैं और ये आपके नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं, ब्रिटाइल होते हैं, सॉफ्ट होंगे ये, अगर सॉलिड है तो ये ब्रिटाइल होंगे, ब्रिटाइल का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रिटाइल का मतलब जल्दी से टूट जाते हैं, यस, अगर उसको आप फोर्स लगाओगे तो जल्दी से टूट जाना होता, ओके, दैट इज वाई ये ब्रिटाइल है, ओके। नेक्स्ट वन एक्सेप्शन कौन है, सोडियम आपका हार्ड नहीं है, पोटेशियम आपका हार्ड नहीं है, दीज आर सॉफ्ट, ओके, दैट कैन बी कट थ्रू नाइफ, इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है बेटा, जो अभी तक सब्सटेंस बने हुए हैं, डायमंड उनमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इज इट ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपकी डेंसिटी, हाई हैव हाई डेंसिटी, जब डेंसिटी समझते हो बेटा, डेंसिटी क्या होता है, यस सर, डेंसिटी सॉलिड मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, एक्सेप्शन क्या है, लिथियम की डेंसिटी कम होती है, सोडियम की डेंसिटी कम होती है, पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है, इनकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है, इसलिए आपने देखा बेटा वाटर में जब आपने सोडियम डाला तो ऊपर ऊपर ही आग लग रही थी, राइट, नीचे कुछ नहीं होता, ओके, तो अगर किसी की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो उसके लिक्विड में डूब जाता है, समझ गए ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से वाटर लेता और वाटर में मैंने सोडियम डाला तो सोडियम ऊपर रहता, बिकॉज सोडियम की डेंसिटी कम रहती है, इनकेस मैंने ऐसा कोई एलिमेंट लिया जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है
तो क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। बात समझ गए? यस सर। ओके गुड। हैव लो डेंसिटी, जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, वेरी लो होती है डेंसिटी। सिर्फ डायमंड ही ऐसा एक्सेप्शन है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। समझ गए बात को? क्लियर है? यस सर। नाउ सो नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज लस्चर। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्चर? लस्चर क्या होता है? लस्चर, एल यू एस, लेट मी राइट डाउन हियर, एल यू एस टी यू आर ई, लस्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्चर? चमक। चमक, वेरी गुड। ओके यस, स्पेलिंग इज एल यू एस टी टी आर ई। Yes, sorry, T-R-E, spelling T-R-E, yes, right, T-R-E, that is lustre, okay, very good, sorry, okay, lustre means kya hota, shining capability, shine, right? Yes, sir. Okay, shine. Yes, sir. Okay, to yahaan par hum log, next, agar, do you know what is the meaning of conductivity? Conductivity jaante ho? कंडक्टिविटी, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कंडक्टिविटी बताना है मेटल की, तो मेटल ज्यादा कंडक्टिव होंगे या नॉन मेटल? बोलो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी मेटल है जो गुड कंडक्टर नहीं होती है? द मेटल्स दैट इज बिस्मिथ, बिस्मिथ एंड टंगस्टन आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। सेम केस इफ वी टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स, नॉन मेटल आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल हीट इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ग्रेफाइड, आपका ग्रेफाइड दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? ग्रेफाइड आपका क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड। ओके नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करें टेंसाइल मैलेबिलिटी, जानते हो आप लोग मैलेबिलिटी? यस सर। क्या होता है मैलेबिलिटी? टर्निंग इनटू वायर्स। यस, टर्निंग इनटू वायर्स, ओके, या वायर्स में चेंज करने की कैपेबिलिटी। ओके नाउ यहाँ पर ध्यान से देखो, लेस्चर मीनिंग तो आप समझ गए, लेस्चर मीन्स साइनिंग, साइनिंग, ओके, साइनिंग कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू साइन। तो मेटल के पास एबिलिटी होती है साइन की। फॉर एग्जांपल आपके गोल्ड के अर्नामेंट्स होते हैं, कितने चमकते हैं, सिल्वर में चमक होती है, राइट? नाउ एंड दे, जो नॉन मेटल होते हैं, दे डू नॉट हैव लेस्चर, ओके, एक्सेप्ट आयोडीन और ग्रेफाइड। आयोडीन और ग्रेफाइड में लेस्चर होता है, दैट मीन्स इनके पास चमक होती है, बाकी किसी में चमक नहीं होती है। ओके नाउ इफ वी टॉक अबाउट टेंसाइल स्ट्रेंथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? बोलो। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है होल्डिंग पावर, मींस आप कितना लोड ले सकते हो। लोड समझ गए? जैसे आप एक लोहे की वायर में बहुत देर तक कोई चीज को टांग सकते हो, और वही सेम अगर आप जो आपका प्लास्टिक वायर होगी या आपका जो धागा होगा उसमें आप ज्यादा लोड नहीं ले सकते। समझ गए? ओके, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो जो आपकी मेटल्स होती हैं, मेटल्स आर हाईली टेंसाइल, ओके, और जिंक इज वेरी लेस टेंसाइल, ओके, जिंक आपका एक्सेप्शन है जो बहुत लेस टेंसाइल होता है, बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं? टेंसाइल होते हैं। नाउ Do not have tensile strength. इनके पास tensile strength नहीं होती non metal के पास। सिर्फ किसके पास होती है? थोड़ा बहुत होती है वो carbon fiber के पास होती है, जिसके जो धागे वगैरह बनते हैं ना, जो जैसे कपड़े टांगने के लिए कुछ रस्सी वगैरह बनती है ना, वो carbon fiber की बनती है। समझ गए? Yes sir. So they have some type of tensile strength. Okay. नेक्स्ट है मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होता है बेटा? मैलेबिलिटी चेंजिंग वायर्स, चेंजिंग वायर्स, ओके,
और डक्टिलिटी मेलेबिलिटी क्या होता है और डक्टिलिटी बोलो बोलो जल्दी बोलो टर्निंग इनटू शीट्स आइडिया नहीं है टर्निंग इनटू शीट्स यस ओके डक्टिलिटी मींस होता है शीट राइट नो उल्टा बोल रहे हैं आप लोग मेलेबिलिटी मींस होता है शीट दिस मींस होता है आई थिंक वायर बोलो क्या सही है डक्टिलिटी मींस होता है टर्निंग इनटू वायर और मेलेबिलिटी मींस होता है टर्निंग इनटू शीट राइट तो मेलेबिलिटी होता है शीट और डक्टिलिटी होता है वायर ओके तो जनरली सारे मेलेबल और डक्टाइल होते हैं एक्सेप्ट जिंक जिंक के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होती नहीं है इसको खींच सकते नहीं हम लोग वायर बना सकते नहीं इसका मतलब जिंक के पास मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज नहीं होती है ओके समझ गए और यहाँ पर हम कार्बन से बना सकते हैं तो कार्बन आर डक्टाइल बाकी सारे नॉन डक्टाइल और नॉन मेलेबल ओके सोनोरस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनोरस आवाज करना यस आवाज करना मींस आवाज का ट्रेवल करना अगर मैं एक रॉड लेता हूँ इस तरीके से और इस रॉड पे यहाँ पर मैंने अपना ईयर लगाया और यहाँ पर मैंने आवाज की कुछ तो आपको यहाँ पर सुनाई देगा ओके मींस आवाज का ट्रेवल करना ओके ये बोल सकते हैं और दूसरा तरीका ये भी बोल सकते हैं कि अगर इसमें हम कुछ हाथ से कुछ मारेंगे तो यहाँ पर आवाज टक टक या टन टन की कुछ आवाज आती है ना राइट जैसे हम घंटी वगैरह बजाते हैं तो वी कैन से दैट कि दीज आर द सोनोरस अगर आपके पास नॉन मेटल है तो उस वो आपकी सोनोरस नहीं होती उससे आवाज निकलती नहीं समझ गए बेटा अकरेंस क्या होता है दीज आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट में क्यों बिकॉज मेटल रिएक्शन कर जाती है जल्दी से ओके और दीज आर फाउंड इन फ्री स्टेट बिकॉज नॉन मेटल जल्दी से रिएक्शन नहीं करती है एंड एज वेल एज ऑल्सो फाइंड कंबाइंड स्टेट ये कंबाइंड स्टेट में ही मिलती है आपकी ओके ये ओनली फाउंड इन कंबाइंड स्टेट कौन सी मेटल है जो आपको फ्री स्टेट में मिलती है सिल्वर मिलेगा गोल्ड मिलेगा प्लेटिनम मिलेगा वो हाईली प्रिसाइज मेटल होती है जो आपको फ्री स्टेट में मिलती है अदरवाइज सारे मेटल्स आपको क्या मिलेंगे कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे ओके सो टेल मी आई थिंक आप सारे पॉइंट समझ में आया ऑल दीज पॉइंट आर क्लियर ना यस सर स्टेट क्लियर हुआ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हार्डनेस डेंसिटी कंडक्टिविटी लश्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ सोनोरस अकरेंस सारे पॉइंट क्लियर हुए अच्छा कैन यू टेल मी अभी मेटल हो गया नॉन मेटल हो गया नाउ टेल मी व्हाट आर द मेटलॉइड्स मेटलॉइड्स क्या है बेटा बोलो बोलो जल्दी से मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज यस एलिमेंट्स व्हिच शोस प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ बोथ मींस मेटल एंड नॉन मेटल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स राइट एग्जाम्पल कौन कौन से बेटा कोई बताएगा एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड एनी अदर जर्मेनियम वेरी गुड सिलिकॉन SI लिख दूं इसका नाम पता है आपको यस ओके जर्मेनियम का फॉर्मूला क्या है GE नेक्स्ट एंटीमनी जानते हो आर्सेनिक जानते हो यस आर्सेनिक का फॉर्मूला क्या होता है AS AS वेरी गुड एंटीमनी का फॉर्मूला जानते हो Yes SB इसका नाम क्या है AntMoNY एंटीमनी ओके देन नेक्स्ट है आपका SE तो क्या बोलते हैं सेलेनियम ओके बहुत सारे हो गए आपको ओके याद रहेगा ना
क्लियर है? यस सर। ओके नाउ नेक्स्ट, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था आई थिंक, राइट? यस सर। नेक्स्ट है कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा जान लो, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीटेड है। ओके कंपाउंड्स क्या है बेटा, बोलो जल्दी से। कंपाउंड्स सब्सटेंस विच फॉर्म, सब्सटेंस विच फॉर्म ड्यू टू केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट और मोर एलिमेंट्स, राइट? यस सर। इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, बाय मास। ओके याद रहेगा? यस सर। ओके वेरी गुड। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। H2O2 वॉटर, CO2 शुगर वॉटर, शुगर वॉटर, वॉटर भी तो आपका एक कंपाउंड है, ये भी आपका एक कंपाउंड है। अगर हम बात करें HCl एसिड की तो ये भी आपका एक कंपाउंड है। अगर हम बात करें NaCl की, ये आपका एक कंपाउंड है। इफ वी टॉक अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आपका एक कंपाउंड है। कुछ भी ले लो, सारी चीज, एवरीथिंग इज कंपाउंड। इफ वी वॉट H2SO4, यस H2SO4 इज आल्सो कंपाउंड्स। ओके अगर हम बात करें ग्लूकोज की, C6H12O6 दिस इज आल्सो कंपाउंड। इफ वी टॉक अबाउट C12H22O11 दिस इज आल्सो कंपाउंड। इसको बोलते हैं शुगर, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, राइट? एंड दिस वन इज शुगर, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके दिस वन इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड नेक्स्ट वन इज कॉमन साल्ट, यस सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोराइड। और द नेम ऑफ दिस, एक और नेम है इसका, इसका हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। HCl का नाम क्या है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और CO2H2 तो जानते होगे, राइट? यस सर। ओके वेरी गुड। ये आपके क्या हो गया, कंपाउंड्स। ओके इफ वी टॉक अबाउट मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर बताओगे? मिक्सचर क्या है? द सब्सटेंस विच फॉर्म, सब्सटेंस विच फॉर्म बाय मिक्सिंग, बाय mixing of two or more substance, more substance, or that substance can be, ये substance क्या हो सकता है, that can be maybe element or compound, right? एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, और बोथ हो सकते हैं, राइट? समझे बात को कि नहीं? क्लियर है ना? सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट, कंपाउंड और बोथ, फिजिकली इन एनी प्रोपोर्शन।
physically in any proportion, किसी भी proportion में हमने mix कर दिया, हमने क्या mix कर दिया, हमने थोड़ा सा sugar ले लिया, थोड़ा सा मैंने water ले लिया, water बहुत ज्यादा ले लिया, sugar मैंने थोड़ा सा लिया, इतना सा लिया, water मैंने इतना ज्यादा ले लिया, ये mixture हो गया, समझ गए? Yes sir. Yes. किसी भी एक any proportion means किसी भी ratio में आप mix कर देंगे, समझ गए? Yes sir. Okay. इस मिक्सचर करते टाइम यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, ओके? यहाँ पर नोट में लिख लेना, नो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, रिएक्शन, राइट? नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, टेक प्लेस ड्यूरिंग द formation of a mixture, formation of a mixture, is it okay? Yes sir. यहाँ पर कोई भी chemical reaction नहीं होगी ना, अच्छा हम लोग example बता दो बेटा, इसका example क्या होगा? Air. Very good, example आपका air हो जाएगा. अभी उससे पहले मैंने कुछ एग्जांपल बताया था ना, अ सॉल्यूशन ऑफ सुगर, सुगर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, द फॉर्मूला ऑफ सुगर ये होता है, जो ये लिखा ना C12H22O11, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुगर जो घर में चाय में डालते हो, राइट? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज जो ग्लूकोज खाते हो हम लोग, पानी में डाल के पीते, राइट? सॉल्यूशन ऑफ सुगर विथ वॉटर, ओके, इज अ मिक्सचर इन विच सुगर एंड वॉटर बोथ रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, इन विच sugar and water both retain their properties. इसका मतलब ये है, जब हम A और B मिलाते हैं बेटा, और A भी जो कंपाउंड बना, इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों की प्रॉपर्टीज से मैच करना चाहिए, समझ गए? तभी हम बोलेंगे कि मिक्सचर है, अदरवाइज तो क्या कंपाउंड बन जाएगा? अगर जो बना ए बी कंपाउंड है, तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली अलग है, तो वी कैन से दैट कि ये तो कंपाउंड हो गया ना, रिएक्शन कर गया, राइट? यस. ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं करता, ओके? नाउ, अच्छा होमोजीनियस जानते हो आप? होमोजीनियस जानते हो बेटा? यस. होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस क्या होता है? होमोजेनियस मींस सेम काइंड. होमोजेनियस मींस क्या होता है बेटा, बोलो? सेम काइंड. सेम काइंड, वेरी गुड. ओके, सेम काइंड, दैट मींस द सब्सटेंस व्हिच कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म और सेम काइंड, राइट? सेम काइंड और uniform throughout the matter, okay? Now, and heterogeneous, mean different kind. Yes, different kind, okay? Or you can say that this is different kind, or you can say that composition of mixture, they have not to be uniform throughout the mixture, okay? Not to be uniform
throw out the matter. याद रहेगा बेटा. ओके अच्छा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मिक्स इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन फैट विटामिन कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल सॉल्ट. समझ गए. सम कॉमन एग्जांपल फॉर द मिक्सचर आर गिवन. ये आपका मिक्सचर है. ओके ये बात याद रखना बेटा. जो मिक्सचर के एग्जांपल है मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल लगा रहा हूँ जो आपको याद रखना है. एग्जांपल जानते हो मिक्सचर के एग्जांपल और बता सकते हो कोई. एयर मिल. क्या क्या बेटा. एयर. एयर वेरी गुड. ओके एयर. एयर इज आल्सो मिक्सचर. ओके यहाँ पर मिक्सचर के एग्जांपल हैं. ओके कौन कौन से एग्जांपल हैं ये देखो. मिल्क इज अ मिक्सचर. मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन फैट विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल सॉल्ट. सी इज अ मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड कार्बन पार्टिकल्स. ओके कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस लाइक प्रोपेन और ब्यूटीन. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. समझ गए बेटा. ये एग्जाम्पल याद कर लेना एक आपके एग्जाम में आ सकते हैं. ओके यस सर. वेरी गुड. ओके नाउ अगर आपके सामने मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा शो करूं, एक्सपेरिमेंटल बातें शो करूं कि सबलिमेशन में आपको पता है ऑलरेडी कि सबलिमेशन से क्या कर सकते हैं. ओके मैं यहाँ पर डेटा शो कर रहा हूँ कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं. राइट मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं. कोई मिक्सचर बना हुआ उसको सेपरेट कैसे करते हैं. यहाँ पर हेडिंग लिख लेना सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए नंबर वन मेथड है कि अगर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर दैट हैव टू सॉलिड्स. ओके जहां पर आपके सॉलिड्स होते हैं. ओके समझ गए. फर्स्ट आपका किस पे है. फर्स्ट है जहां पर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर दैट कंस्टिट्यूट ऑफ टू सॉलिड, जहां पर आपके दो टाइप के सॉलिड हों. ओके समझ गए. सेकेंड टाइप का है आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर वेयर वन इज सॉलिड एंड अनदर इज लिक्विड. क्लियर है. वन इज सॉलिड एंड अनदर इज लिक्विड. ओके तो दो टाइप के कंस्टिट्यूएंट है. नंबर वन यहाँ पर वन हेडिंग लिखना सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट. मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट हैव कंस्टिट्यूएंट्स टू सॉलिड्स. ओके दो सॉलिड हैं आपके. ओके नंबर वन वन कंस्टिट्यूएंट इज सब्लिमेबल. वन कंस्टिट्यूएंट इज सब्लिमेबल. अगर एक कंस्टिट्यूएंट आपके सब्लिमेबल है. ओके क्या लिखा मैंने ए पोर्शन वन कंस्टिट्यूएंट इज अ सब्लिमेबल. सब्लिमेबल सब्सटेंस. ओके तो आप क्या लगाओगे सब्लिमेशन प्रोसेस लगाओगे. सब्लिमेशन समझते बेटा. देन यू हैव टू यूज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन जानते हो. बोलो बोलो बोलो. सब्लिमेशन क्या होता है. सॉलिड टू गैस. सॉलिड टू गैस वेरी गुड. यहाँ पर आपको क्या करना है. ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. सब्लिमेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ.
ये आपका एग्जांपल दिखा क्या? नहीं दिखा वो। अभी दिखा एग्जांपल, ये आपका फ्लेम लगा हुआ है यहाँ पर, देखो ध्यान से समझो इसमें क्या हुआ है। यहाँ पर आपका मटेरियल रखा हुआ है, कौन सा मटेरियल है? जो सब्लिमेबल मिक्सचर, राइट, समझ गए? एक आपका सब्लिमेबल होगा, दूसरा आपका नॉन सब्लिमेबल होगा, राइट, तभी तो हमने लिखा ना यहाँ पर वन कंस्टिट्यूएंट इज सब्लिमेबल। तो जो सब्लिमेबल होगा कंस्टिट्यूएंट बेटा, उसको हम नीचे से हम एनर्जी देंगे या बर्न करेंगे, तो वो यहाँ पर पार्टिकल्स गैस बन करके ऊपर आ जाएगा, राइट। जैसे गैस बन के ऊपर आ जाएगा, इसको हम अलग कर लेंगे, समझ गए? और एक तो आपको यही रह जाएगा, क्लियर है ना? तो ये टाइप का सेटअप होता है। आप एग्जाम में बना सकते हो, अगर कभी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल आए तो एग्जाम्पल में क्या लिखना है आपको? एग्जाम्पल में लिखना है द मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या बेटा? NaCl। और अमोनियम क्लोराइड? NH4Cl। ओके, NH4Cl हम बात करें, ये वाला क्या है बेटा? नॉन सब्लिमेबल, राइट, नॉन सब्लिमेबल। और ये वाला क्या है कंपाउंड्स? सब्लिमेबल। यस, जो सब्लिमेबल होता है ये कंपाउंड्स ऊपर चल जाएगा, जो नॉन सब्लिमेबल है वो यहीं पर आ जाएगा। इज इट ओके? समझ गया? यस सर। ओके, वेरी गुड। अगर हम बात करें वन कंस्टिट्यूएंट इज मैग्नेटिक सब्सटेंस, ए पार्ट तो सब्लिमेबल हो गया, अगर मैं इसी बात करूं, अगर आपका बी पार्ट होता है, दोनों का मिक्सचर कर रहे हैं ना, अगर उसमें होगा वन सब्सटेंस, वन कंस्टिट्यूएंट, ओके, वन कंस्टिट्यूएंट इज मैग्नेटिक, मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आप क्या करोगे? मैग्नेट लगा दोगे उसमें, राइट, मैग्नेट लगा दोगे ना, तो आपका आ जाएगा, कैसे मैग्नेट लगाओगे? ध्यान से समझना, अगर हम आयरन फिलिंग्स समझते बेटा, आयरन फिलिंग्स, यस सर, ओके, आयरन फिलिंग्स है किसी भी सब्सटेंस में, तो वहां पर आप मैग्नेट लगा दोगे तो आपको वो सब्सटेंस मिल जाएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा, ओके, इसमें एग्जाम्पल क्या है? मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई, एग्जाम्पल क्या है? आयरन फिलिंग एंड सैंड, आयरन फिलिंग हो गया, एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई, एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई, कहाँ से सेपरेट कर सकते हो भाई? बाई दिस मेथड, समझ गए बेटा? यहाँ पर आपके आयरन और सैंड लगा हुआ है, आपने एक मैग्नेट लगाया, तो मैग्नेट में ये आयरन के पीस चिपक जाएंगे, जिससे आप उसको अलग कर लोगे, ओके, समझ गए बेटा? यस सर। नाउ Now, what will happen, अगर आपके सेपरेशन, जो आप सेपरेशन कर रहे हो, दोनों मिक्स, जो आपके यहाँ पर दोनों सॉलिड थे, उनमें से एक सॉलिड हो और दूसरा आपका लिक्विड हो, यही जो सेम चीज यहाँ पर लिखी है, जो सेम चीज लिखी है ना यहाँ पर, इस चीज में बोला कि अगर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंसिस्टेंट हैव वन इज क्या है, वन इज वन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यहाँ पर पॉइंट नंबर टू करना है, पॉइंट नंबर टू है The point number two is separation of mixture that has one is solid and one is liquid. One solid and one liquid. तब क्या करेंगे? तब कौन से process होते हैं बेटा उनको separate करने के लिए? Any idea? Evaporation.
वेरी गुड ओके. नंबर वन है आपका एवेपोरेशन एंड नंबर टू फिल्ट्रेशन. चलो यहाँ पर भी आपके दो कैटेगरीज हैं. कौन कौन सी कैटेगरी हैं? पहले आप कैटेगरी समझो. कैटेगरी नंबर वन है आपका यहाँ पर अगर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर अ सॉलिड एंड लिक्विड विच रिमेन डिजॉल्व इन स्टेट मीन्स जो डिजॉल्व हो जाते हैं. अगर डिजॉल्व नहीं है ओके डज नॉट डिजॉल्व. पहले आप लिख सकते हो जो आपने मिक्सचर किया मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड दैट कंप्लीटली डिजॉल्व स्टेट. ओके डिजॉल्व स्टेट में है तब क्या करेंगे बेटा डिस्टिलेशन प्रोसेस लगाएंगे या एवोपरेशन प्रोसेस लगाएंगे. कौन सी प्रोसेस लगाएंगे बेटा? नंबर यहाँ पर नाम लिखो उसका डिस्टिलेशन DISTILLATION डिस्टिलेशन प्रोसेस. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिलेशन? कैसे करते हैं ये आइडिया है कैसे करते हैं ये भी आइडिया नहीं है. चलो डिस्टिलेशन आप देख लो कैसे करते हैं बाकी का तो छोड़ दो. डिस्टिलेशन आपको ये देख लो ये देख रहा है डिस्टिलेशन बेटा. यस सर. यहाँ पर आपने क्या किया मिक्सचर डाला. मिक्सचर जब डिजॉल्व स्टेट में तो आपको दिखेगा नहीं ना वो पूरा एकदम पानी ऐसा दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल आपका NaCl है राइट डिजॉल्व हो गया ना. Na आपका सॉलिड होता है ओके सॉरी NaCl है यहाँ पर NaCl आपका सॉलिड है और आपने किस में डाल दिया वाटर में डाल दिया तो ये आपका लिक्विड होगा या आपका सॉलिड हो गया राइट. जब कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता तो आप क्या Na अलग कर पाते हो सोडियम क्लोराइड अलग कर पाते हो क्या? नहीं. तो आप क्या करोगे यहाँ से बंसन बर्नर से आप फ्लेम प्रोवाइड करोगे जिसकी वजह से यहाँ से स्टीम बनेगी. स्टीम जैसे ही बाहर बनेगी उस स्टीम को यहाँ से निकाल लेंगे और फिर उस स्टीम को कंडेंस करके यहाँ से वो लिक्विड आपको मिल जाएगा. समझ गए ना. स्टीम यहाँ से जाएगा बेटा स्टीम यहाँ से निकला स्टीम फिर इसमें आ गया. ये लगा थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करने के लिए. इसका मतलब सिर्फ टेम्परेचर चेक करेगा बस ज्यादा टेम्परेचर तो नहीं हो रहा. ये जो बीकर है पूरा फट जाएगा आपका फ्लास्क ओके. तो इसलिए कम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर थर्मामीटर लगा दिया. जैसे ही आपकी एवोपरेशन बनेगा तो वो यहाँ से आ जाएगा. यहाँ पर आने के बाद ये कंडेंसेशन हो जाएगा. यहाँ पर उसमें जो आपके वेपर फेज बन रहे हैं ना वो आपके कंडेंस होकर के यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. समझ गए. और NaCl आपको कहीं नहीं जाने वाला NaCl आपका यहीं पर रहेगा. समझ गए डिस्टिलेशन. समझ गए बेटा? यस सर. ओके ये एग्जाम्पल आप NaCl का याद रखे रहोगे ना. व्हाट विल हैपन जब आपके सॉलिड और लिक्विड डिजॉल्व स्टेट में ना हो? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डज नॉट अरे डज नॉट डिजॉल्व इसका मतलब चाय छानने वाली छलनी से निकाल लेंगे ना हम तो सिंपली राइट. यस ओके उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन. वेरी गुड ओके द प्रोसेस इज कॉल्ड जब हम चाय छानते हैं ना उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं. याद है कि नहीं फिल्ट्रेशन? नाम सुना कभी कि नहीं? वेरी गुड. अगर नाम सुना तो ठीक है नहीं सुना तो समझ लो फिल्ट्रेशन क्या होता. सिंपली आपने जो सब्सटेंस आपको निकालना है वो मिक्सचर आपने छन्नी से प्रोवाइड किया और बाहर निकल जाएगा आपका फिल्ट्रेशन बन जाएगा. ओके कैसे बनता है थोड़ा ध्यान से देख लो. ये आपका फिल्ट्रेशन बन गया. यहाँ पर क्या किया इस बीकर में आपका ये मिक्सचर भरा हुआ राइट. यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ फनल लगा हुआ. यहाँ पर आपका फिल्टर लगा हुआ है. इस फिल्टर से आपको सिर्फ लिक्विड वाला पार्ट आपका अंदर जाएगा बाकी आपका यहाँ पर जो सॉलिड वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पर जाएगा. समझ गए? क्लियर है? यहाँ पर लेट से मैंने बोला कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल सॉलिड के पड़े हुए अनडिजॉल्व है तो वो पार्टिकल्स कहाँ पर रह जाएंगे? यहीं पर रह जाएंगे राइट. बाकी का लिक्विड वाला पार्ट पोर्शन कहाँ जाएगा?
लिक्विड वाला पोर्शन आपको यहाँ जाएगा, ये ओके है, समझ गए ना? चलो ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो चुका प्रोसेस, अभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका बेटा, राइट? सर आप नोट्स ग्रुप पर सेंड करेंगे ना? हाँ ये नोट्स मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, ओके? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैं इसके क्वेश्चन भी ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ये नोट्स भी ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ओके? प्रिंट आउट निकाल सकते हो या फिर आप लैपटॉप मोबाइल में देख करके खुद से नोट्स बना सकते हो, राइट? यस, ये है ना, ये चैप्टर कंप्लीट है फुल एंड फाइनल, इनकेस कुछ डाउट है तो मुझे बताना, ओके? ऑफलाइन लेक्चर में अगर कुछ डाउट है तो वो बताना, ऑफलाइन लेक्चर हमारा होगा भी, ओके? और फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से, ओके? नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट? यस सर, क्लियर है ना? तो आप लोग क्लास ज्वाइन किया करो ऑल ऑफ यू, ओके? क्लास अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो आप फिर कैसे सीख पाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ओके? क्लास ज्वाइन किया करो सारे के सारे, ओके? चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सारे के सारे क्लास ज्वाइन करनी, ओके? नाउ मैं यहाँ पर कुछ चीज अटैच कर रहा हूँ जिसको आपको ध्यान से देखना है, क्या अटैच कर रहा हूँ ध्यान से देख लो एक मिनट, पॉइंट टू बी रिमेम्बर, पॉइंट कौन कौन से रिमेम्बर करना है याद रखना, मैं आप समझो पहले, द इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल एंड डिसिमिलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, समझ गए? क्या है कोहेसिव? द इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस, जो अंदर के फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके, अगर सिमिलर मॉलिक्यूल के साथ लग रहा है तो हम इसको कोहेसिव बोलेंगे, अगर डिसिमिलर मॉलिक्यूल के साथ लग रहा है तो इसको हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे, और कौन सा फोर्स की बात कर रहे हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बात समझ गए बेटा? कोई भी सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हो, ओके? अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको दिख गए तो वहां पर कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्स दिख गए तो वहां पर एडहेसिव फोर्स बोलेंगे, राइट? नेक्स्ट है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस पॉजेस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूल अरेंजमेंट, ओके? जो सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, दे पॉजेस देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट एट डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके? मैटर एग्जिस्ट डिफरेंट स्टेट एंड डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, एंड टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्टेड इज एट एटमोस्फियर दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, ये तो डेफिनेशन मैंने लिखाई हुई है, ओके? ये भी मैंने लिखाई हुई, वेपरेशन वाली डेफिनेशन भी मैंने लिखाया हुआ है, रेट ऑफ एवेपोरेशन भी मैंने बताया हुआ है, समझे? क्लियर है ना? तो ये पॉइंट आप पढ़ना, मैं जब क्वेश्चन सेंड करूंगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीजें, ओके? क्लियर है ना? यस सर, ओके? ये आप एक बार रीड करना, ओके? ये वाले पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके? अगर किसी पॉइंट में कुछ डाउट है तो मुझे इस पेज के स्क्रीनशॉट भेज के मुझे बताना कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप में बता सकता हूँ या कॉल करके, ओके? पहले एक बार आप पढ़िए, जब नहीं समझ में आता है, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डेफिनेटली मैं बताऊंगा आपको, ओके? क्लियर है ना? ओके, इस चैप्टर को फुल एंड फाइनल हो चुका, ये चैप्टर पूरा आपको कंप्लीट करना है, इनकेस फिर भी डाउट है तो मुझे बताना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके? चलिए, बाय बाय एवरीवन बेटा, बाय बाय सर।